हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के पैकिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मार्केट एंड मार्केटिंग चैनल फॉर एग्स एंड मीट, कि मतलब अंडे और मांस का मार्केटिंग कैसे होता है, उसमें क्या क्या मार्केटिंग चैनल्स हैं, कैसे सारा लिंक्ड होता है, इन सभी के बारे में। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको पिछले लेक्चर्स के बारे में ना पता हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर देख सकते हैं और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बाद आगे मिलते हुए सभी एग्रीकल्चर के लेक्चर से आप रूबरू हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने मार्केटिंग के बारे में, मतलब अंडे और मांस का व्यापार कैसे हो रहा है, मार्केटिंग कैसे चलती है इसकी। तो स्टूडेंट सबसे पहले सभी को पता होगा कि मार्केटिंग क्या होता है, क्या मार्केटिंग नॉर्मली सबको पता होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो है इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट लाइन इन द रूरल पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब सबसे कमजोर वाला प्रोग्राम यही है, मतलब कि मार्केटिंग है, क्योंकि और सब तो है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत की बात करें हम लोग तो यहाँ पर सिटीज मेट्रोज बहुत कम है, क्या बहुत कम है, लेकिन हाँ पोल्ट्री का जो प्रोडक्शन है या सेमी अर्बन और अर्बन, यहाँ पर रूरल एरियाज में थोड़ा ज्यादा होता है, तो यहाँ पर सभी जगह पहुंचाना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर इसीलिए बात किया जाता है कि सबसे पहले कि मार्केटिंग कैसे किया जाए, क्यों, क्योंकि अगर मार्केटिंग डायरेक्ट पोल्ट्री वाले नहीं करेंगे तो उन्हें घाटा लगता है, यहाँ पर जो मिडल मैन जो ब्रोकर्स होते हैं जो बीच में दलाल होते हैं ये ज्यादा खा जाते हैं, जिससे क्या होता है किसानों को प्रॉफिट या मार्जिन जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है। इसीलिए मार्केटिंग के बारे में स्टडी किया जाता है कि कैसे एक किसान जो मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, जो मतलब एक का प्रोडक्शन कर रहा है या फिर तो मीट का प्रोडक्शन कर रहा है, वो किस हिसाब से मार्केट में ले जा करके अपने प्रोडक्ट को सेल करा करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। जो मिडलमैन या ब्रोकर्स कमा रहे थे, जो दलाल कमा रहे थे, वो भी प्रॉफिट एक फार्मर कमा ले, तो इसी बारे में हम लोग स्टडी किया जाएगा इसमें। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग टॉपिक में देखते हैं कि मार्केट्स फॉर एग एंड मीट, अंडे और मीट के लिए मार्केट क्या। एजेंसी जैसे कि नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी NECC एस्टेब्लिश हुई कब, 1982 में, और क्या ऑल इंडिया ब्रॉयलर फार्मर मार्केटिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड ब्रोमार्क, ये सभी क्या करती हैं, अंडे के प्राइस को और ब्रॉयलर के प्राइस को मार्केट में डिटरमाइन करती हैं। और इसमें क्या होता है, फार्मर्स का भी पार्टिसिपेशन होता है, किसानों का भी पार्टिसिपेशन होता है। ये ब्रॉयलर कोऑर्डिनेशन कमेटी BCC क्या करती है, लाइव ब्रॉयलर जिंदा ब्रॉयलर जो मीट होते हैं उनका समय समय पर इनका दाम का डिक्लेरेशन करती है, इन्हीं के मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशन कर रहा है मतलब दाम का वो उतार चढ़ाव है, इसको भी यही मेंटेन करती है। तो स्टूडेंट्स हमने जैसा कि देख लिया कि मार्केट एग और मीट को का मार्केटिंग का जो रेट फिक्सिंग का काम है, मतलब फ्लक्चुएशन का काम है, ऊपर नीचे रेट जो जा रहा है आ रहा है, तो इसको कौन कमेट करता है, तो नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑल इंडिया ब्रॉयलर फार्मर मार्केटिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड ब्रोमार्क, उसके साथ BCC ब्रॉयलर कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये तीन कमेटियां मिलकर के सारे मार्केटिंग स्टेटस को मेंटेन रखती हैं। उसके बाद कैसे मार्केट में डाउन कर रहा है एरिया स्पेस, उस हिसाब से भी थोड़ा सा मार्केट में भी अंतर आता है। उसके साथ ही आगे हम लोग देखा जाए एक के मार्केट लिए, मतलब अंडे के मार्केट के लिए, जैसे कि और सब फूड कमोडिटी हैं क्या, जैसे कि और सभी फूड कमोडिटी हैं और सब क्या वेरियस मार्केटिंग डीलिंग, इसमें क्या होता है कि मार्केट की बड़ा या छोटा कैसे है इस हिसाब से थोड़ा सा रेट पर डिपेंड करता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ये डिपेंड करता है, या होलसेल मार्केट है कि नॉर्मली छोटा मार्केट है, कितना एक बिक रहा है एक बार में, इस हिसाब से इस पर डिपेंड करता है कि मंडी में आप बेचेंगे थोड़ा सा कम दाम मिलेगा या नॉर्मली दुकान बेचा जाएगा तो ज्यादा दाम मिलेगा। कुछ लोग अंडे को क्या डेली हॉकर्स जो दिन बेचने वाले होते हैं नॉर्मली वो बेचते हैं, अंडे के ठेला, अंडा ट्रॉली, एक किसकोज ग्रोसरी पर मिलता है, शॉप दुकान पर मिलता है, होटल पे मिलता है, रेस्टोरेंट मिलता है, छोटे शॉपिंग मॉल में मिलता है, मतलब ऐसे नॉर्मली बेचा जाता है। तो इसमें क्या होता है, अंडे की छटाई और इसकी सफाई, उसके साथ साथ इसके ठंडा रखने की क्षमता 5% करीबन क्या करती है, इसमें रेट एडिशन कर देती है, क्या 5% का एडिशन कर देती है। उसके बाद 5% एक बेस्ट फूड प्रोडक्ट और फूड नॉन फूड इंडस्ट्री, इसमें और सभी भी नॉर्मली आते हैं, जैसे कि आगे बात किया जाए एक का प्रोड्यूसर हो रहा है, यहाँ पर जो मतलब अनऑर्गेनाइज मार्केट है, प्रोड्यूस मार्केट है, यहाँ पर कोई भी नॉर्मली एक बेच सकता है, तो एक जो बेच रहे हैं इसकी वजह से इसमें रेट का
रेट में उतार चढ़ाव होता है। उसके बाद आगे बात किया जाए, ब्राउन एग और ऑर्गेनिक एग ऑफन विल ब्रिंग हायर प्राइसेस। क्या देसी अंडा या फिर तो भूरा अंडा जो आता है वो ज्यादा रेट यहाँ पर मिलता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर रेटिंग चलती है एग की। अब हम लोग अगला बात करेंगे सेल्फ ऑफ ब्रॉयलर मीट, ब्रॉयलर मीट का कैसे सेल हो रहा है। तो द होलसेल मार्केट फॉर लाइव बर्ड आर फ्यू इन नंबर। क्या बहुत होलसेल मार्केट बहुत कम होता है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े शहर में ही शायद ऐसा देखने को मिलेगा, और सभी जगह पे देखा जाए तो ये सभी किसके द्वारा होता है, एजेंट्स, ब्रोकर्स या मिडलमैन, मतलब सभी दलालों के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही क्या इसमें सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर जो दलाल होते हैं वो जाते हैं, मतलब कि जैसे मंडी के बीच में, मंडी में यहाँ से मार्केट, यहाँ से जैसे फार्म पे से मीट को उठा के लेके जाया जाता है, उसके बाद वहां पर दलाल उसका रेट लगाते हैं, वहां से फिर उसके बाद उसे बेचा जाता है छोटे छोटे दुकानों की मदद से या ठेलों की मदद से, या फिर तो नॉर्मली जो होते हैं उस हिसाब से, या फिर अब के सिस्टम में क्या हो गया कि लाइव बर्ड्स का जो बेचने का सिस्टम है हम लोग यहाँ, जैसे हम सभी लोग जानते हैं यहाँ क्या होता है, एक गाड़ी वाले होते हैं जो मतलब क्या करते हैं सेलर्स, वो आते हैं फार्म पर से खरीदते हैं एक रेट लगा करके, उसके बाद उसे ले जाकर के छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं, मतलब कि ये जो रोड साइड कटर होते हैं, इनको क्या करते हैं, इनको ले जाकर के उसमें एडिशन करके रेट का 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए, उसके बाद उसे बेचते हैं, इस हिसाब चलता है। यहाँ लाइव बर्ड को भी मंडी में बेचा जाता है काउंट पर ही, ड्रेस्ड बर्ड को भी बेचा जाता है, यहाँ पर इस हिसाब से बेचा जा रहा है। यदि मंडी की बात करें तो मंडी में अप्रोक्सीमेटली 75% सोल्ड एज हॉट ड्रेस्ड, चिल्ड आर फ्रोजन ड्रेस्ड, और 25% नॉर्मली रॉ, मतलब कि जो ड्रेस्ड मतलब तैयार किए हुए मांस है वो 75% मंडी में बिकते हैं और 25% ऐसे बिकते हैं। लेकिन क्या बात किया जाए कि हमारे देश में 40% लाइव ब्रॉयलर बिक रहे हैं, मतलब जिंदा ब्रॉयलर बिक जाते हैं, 55% चिल्ड या फ्रोजन चिकन बिकता है, और 5% ओनली सोल्ड एज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। हमारे देश की बात विडंबना है, यहाँ पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बहुत कम बिकता है, जैसे कि 5% ही जो मतलब पहले से ही तैयार प्रोडक्ट है, यहाँ पर ज्यादातर जिंदा, उसके बाद और कुछ फ्रोजन चिकन बिक रहा है। उसके बाद बात किया जाए अगर रूरल एरिया की, तो यहाँ पर ज्यादातर एरिया में क्या होता है कि जो है वो लाइव बर्ड्स बिकते हैं, और देश देहात की बात करें तो यहाँ पर सभी जिंदा बर्ड्स ही बिकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग कटा हुआ पहले से मांस लेना पसंद नहीं करते, तो आप सभी ये सब बात जानते होंगे। उसके बाद आगे देखा जाए हम लोग का मार्केटिंग चैनल फॉर एग एंड मीट, ये मार्केटिंग चैनल कैसे काम करता है, जैसा आपके स्क्रीन पर दिख सकता है। तो इसमें क्या है, फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज द मार्केटिंग चैनल ऑफ एग्स एंड मीट इन आवर कंट्री, जैसे फ्रॉम फार्म टू कस्टमर। सबसे पहले क्या है कि डायरेक्ट फार्म कस्टमर क्या किया, फार्म पे चला गया, वहां से डायरेक्ट ले लिया, एक चैनल तो ये है। आप सभी जानते होंगे कुछ लोग कहते क्या है कि जिनको मीट लेना होता है डायरेक्ट फार्म पे चला जाता है, वहां से ले लेता है। दूसरा, द रॉ फिनिश प्रोडक्ट रोल्स अब वन हैंड टू अदर है फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जैसे क्या यहाँ से मांस गया, उसके बाद फैक्ट्री में तैयार हुआ, फैक्ट्री से तैयार होने के बाद वह दुकान से दुकान के हिसाब से आता है, कहाँ पर, यहाँ पर दुकान से लोग कस्टमर खरीदते हैं, तो ये फिनिश प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, पहले प्रोड्यूसर जो उत्पादक होता है, उसके बाद दलाल खरीदता है, दलाल क्या करता है होलसेल मार्केट में बेचता है, होलसेल मार्केट से रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास बाद कंज्यूमर के पास जाता है। तो ये जैसे मार्केटिंग स्टेटस काम करता है उस हिसाब से काम कर रहा है दूसरा वाला। उसके बाद स्मॉल और बिग शॉप, रिटेल, आउटसेल, कंटीन, होटल, रेस्टोरेंट, रेफ्रिजरेटर, फास्ट फूड, नॉन स्टेपर मार्केट, मतलब जैसे छोटे दुकान होते हैं, कैंटीन हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट होता है, रेफ्रिजरेटर डिस्प्ले होता है, यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ से भी लोग मार्केटिंग चैनल के हिसाब से खरीद रहे हैं, लोग यहाँ से भी खरीदना पसंद करते हैं। उसके बाद जो NECC है, नेशनल एग कॉर्पोरेशन, ये 1982 में स्थापित हुआ था और करीबन 25,000 पोल्ट्री फार्म्स को मेंबर के रूप में इसमें है। तो ये क्या करती है, प्राइस सपोर्ट कराती है, एक प्रमोशन कंपेन लगाती है, उसके बाद कंज्यूमर को एजुकेशन शिक्षित करती है, साथ में मार्केट में रिसर्च कराती है, रूरल मार्केट को डेवलप कराती है, जो देहाती मार्केट उनको ग्रोथ लाती है, उसके बाद कई प्रकार के और कार्य करती है। कुछ और जैसे हैं, जैसे कि एक है
ब्रोमार्क, क्या ब्रोमार्क और बीसीसी, जैसे मैंने पहले नाम लिया था ब्रोमार्क और बीसीसी क्या करता है, इन सभी में हेल्प करता है। ये क्या करता है, प्राइस फिक्सेशन में हेल्प करता है हमारे देश में, ठीक। उसका एक लाइन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो जैसे हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर आ गया है कि द क्वालिटी एश्योर्ड इज इम्पॉर्टेंट इन मार्केटिंग चैनल, मतलब क्वालिटी बिल्कुल एश्योर्ड होना चाहिए, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग चैनल। तो द एग मार्क, जो एग मार्क है, इज इन्वॉल्व इन ग्रेडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ एग एंड मीट प्रोडक्ट। एग मार्क जो कंपनी है वो क्या करती है, वो ग्रेडिंग कराती है, मेंटेनेंस कराती है, किसके, क्वालिटी ऑफ एग एंड मीट प्रोडक्ट के, जितना भी अंडे और मांस का जो प्रोडक्ट है इसको क्वालिटी को एश्योर करती है, मुहर लगाती है कि नहीं ये मार्केट में बिकने लायक है। तो स्टूडेंट्स अभी आपके सामने एक टर्म आया होगा कि एग मार्क क्या है। तो स्टूडेंट्स अगले टॉपिक में हम लोग एग मार्क के बारे में एक छोटा सा लेक्चर जरूर देखेंगे जिससे हमें एग मार्क के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में बस इतना ही, आगे अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस।